नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पीएफआई के नाम पर देश में दो चीजें जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां पीएफआई के नाम पर उन नेताओं का बोलबाला हो रहा है जिनको कोई पूछता तक नहीं था। जी हां, आरएसएस की ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, जहां केरल में आरएसएस के 5 लीडरों को वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। तो वहीं पीएफआई से संबंध रखने के चलते गुजरात एटीएस ने एक मदरसे को सील कर दिया है, जिसकी चर्चा लगातार तेज हो रही है। तो वहीं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं कि पीएफआई के नाम पर एक पर मेहरबानी तो दूसरे के ऊपर गाज क्यों गिराई जा रही है, जिस पर लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। जहां एक एक कर महाराष्ट्र एटीएस की बात करें, गुजरात एटीएस की बात करें, असम एटीएस की बात करें और उत्तर प्रदेश एटीएस की बात करें, पीएफआई के साथ संबंध रखने के चलते जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, उस पर तमाम बुद्धिजीवी जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और किस तरीके से एक के बाद एक कदम पीएफआई के नाम पर आरएसएस के हक में उठाए जा रहे हैं, ये लगातार सवाल हो रहा है। किस तरीके से कदम को अंजाम दिया जा रहा है, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। केंद्र सरकार ने केरल में आरएसएस के 5 नेताओं को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया कराई है। ये फैसला नेताओं पर हमले की आशंका को देखते हुए लिया गया है। एनआईए ने 22 सितंबर को 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 93 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान केरल पीएफआई के मेंबर मोहम्मद बशीर के घर से एक लिस्ट मिली, जिसमें पीएफआई के रडार पर आरएसएस के 5 नेताओं के नाम थे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को इनपुट दिए थे। इसके आधार पर आरएसएस नेताओं को ये सिक्योरिटी कवर दी गई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की वीआईपी सिक्योरिटी विंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। वाई कैटेगरी के तहत हर नेता की सुरक्षा में 2 से 3 कमांडो तैनात रहेंगे। ऐसी ही सिक्योरिटी बिहार बीजेपी अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण से सांसद संजय जायसवाल को भी दी गई है, क्योंकि अग्निपथ भर्ती योजना की शुरुआत के बाद उनके अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें सिक्योरिटी प्रदान की गई थी। इसी के बाद में वापस ले लिया गया था, लेकिन अब फिर से बहाल कर दिया गया है। आरएसएस के 5 नेताओं और संजय जायसवाल में शामिल होने से अब सीआरपीएफ के वीआईपी सुरक्षा घेरे में 125 लोग आ गए हैं। तमिलनाडु पुलिस ने शनिवार को राज्य में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालयों को सील करना शुरू कर दिया। पीएफआई तमिलनाडु हेड ऑफिस के दरवाजे चेन्नई कॉरपोरेशन और पुलिस अफसरों के सामने तोड़े गए। इसके बाद अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्स की जांच की और पीएफआई हेडक्वार्टर सील कर दिया। आपको बता दें कि पीएफआई के नाम पर गुजरात की वडोदरा पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पीएफआई से संबंधित एक मदरसे की जांच कर उसे पूरी तरीके से सील कर दिया। और मदरसे को सील किए जाने के बाद ट्रस्टियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने उस मदरसे को सील किया है जहां ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में लगातार चर्चा की जा रही है। वडोदरा पुलिस और गुजरात एटीएस ने संयुक्त रूप से जांच करते हुए पीआईएफ पीएफआई और उससे जुड़े मदरसे को सील कर दिया है। पुलिस का कहना है कि इस मदरसे में पीएफआई के सहयोगी एआईसीसी के बैठक हुई थी। एसीपी ने बताया कि पीएफआई के सहयोगी संगठन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि एटीएस और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मदरसे को पूरी तरीके से सील कर दिया है, जहां पर एआईसीसी की बैठक हुई थी। अब मदरसे के ट्रस्टियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।
प्रतिबंधित संगठनों में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूएपीए की धारा के तहत इन 8 संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया था। सरकार ने इन संगठनों को गैर कानूनी संघ घोषित करते हुए ये कार्रवाई इनके ऊपर की, जिसमें पीएफआई और ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अलावा नेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, रिहाब फाउंडेशन और नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया टेरर फंडिंग का शिकंजा कसने के लिए। कुछ दिन पहले एनआईए पीएफआई के कई नेताओं के घर पर छापेमारी की थी और कई नेताओं की गिरफ्तारी भी सामने आई थी। इसके विरोध में पीएफआई समर्थकों ने देश में प्रदर्शन किए थे। पीएफआई दावा करता है कि वे अल्पसंख्यकों, दलितों और हाशियों पर मजदूर दूसरे समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ता है। साल 2007 में इस संगठन का जन्म हुआ था, जब स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो पीएफआई उभर कर पूरी तरीके से सामने आया और अब मदरसे को सील किए जाने की लेकर के तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां गुजरात एटीएस ये दावा कर रहा है कि यहां ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की बैठक हुई थी। और अगर बैठक हुई थी तो जिस टाइम बैठक हो रही थी एटीएस के पास तमाम जानकारी थी, तभी उस बैठक में जाकर के लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी थी तो तब जाकर के एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और मदरसे को सील करने का ये कौन सा तुक सामने आता है, जो कि एक तरफा कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। तो वहीं बहन कुमारी मायावती भी ये साफ तौर पर कह चुकी हैं कि आरएसएस के लोगों को खुश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ये बैन लगाया गया है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर पीएफआई पर बैन लग रहा है तो देश में नफरत फैलाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कर रहा है, उस पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता? और अगर कोई आरएसएस का नेता किसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो क्या उन जगहों को भी ऐसे ही सील करने का काम एटीएस द्वारा किया जाएगा, जो कि आज गुजरात मदरसे को लेकर के जो तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। और बार बार एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एक तरफ इतनी मेहरबानी केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई के नाम पर क्यों दिखाई जा रही है, तो दूसरी तरफ क्यों इस तरीके से मदरसों को सील करने का काम किया जा रहा है। तमाम तस्वीरों को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा, दीजिए इजाजत।